स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेंगर्स मेथड के बारे में. सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेंगर्स कौन थे, तो सेंगर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक मेथड प्रपोज किया था जो कि किस बारे में था, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में. और अगर हम बात करें कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, तो डीएनए जो है अगर जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हेरिडिटी मटीरियल है, यानी कि विरासती मादा है, जिसे डीएनए कहा जाता है. डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि हम उस डीएनए के अंदर मौजूद जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है, उनका ऑर्डर मालूम करते हैं. यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमें हमारे सामने ये जो डायग्राम है, ये डीएनए की डायग्राम है. और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, देखें, शुगर फॉस्फेट बैकबोन मौजूद है. और यहाँ पे अगर आप देखें, ये सी जी जो आपको नजर आ रहा है और ए और टी नजर आ रहा है, ये क्या है, ये मौजूद यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं. और ये तीनों मिलके, जिसमें नाइट्रोजनस बेस शामिल है और शुगर और फॉस्फेट बैकबोन शामिल है, ये मिलके न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं. और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है, ये सबके अंदर एक जैसी है, सिर्फ इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है, जब हम ये मालूम करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमने डीएनए सिक्वेंसिंग की है. अब डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए जो है, वो मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे. और उसमें से जो सेंगर साइंटिस्ट थे, उनका जो मैथड है, उसे हम कहते हैं कि ये सेंगर सिक्वेंसिंग मेथड है, जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और अगर हम बात करें कि ये जो है, ये डेवलप कब हुआ था, तो ये सेंगर ने डेवलप किया था 1977 में. और 1977 में सेंगर ने जो सीक्वेंसिंग मेथड दिया था, और अगर हम उसकी बात करें कि उसमें क्या होता है, तो सेंगर मेथड में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि ये चेन टर्मिनेशन मेथड भी है. अब चेन टर्मिनेशन मेथड की अगर हम बात करें कि क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए की चेन होती है, जो रही होती है, वो एक खास जगह पे टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है. और किस वजह से खत्म होती है, वो खत्म होती है डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से, जो कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है. अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, कि डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है. और अगर हम बात करें कि डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, ये क्या है, तो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, उनको हम डीडीएनटीपीज भी कहते हैं. अब डीडीएनटीपीज की अगर हम बात करें कि डीडीएनटीपीज जो है, वो किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं, तो इनको हम डीडीएनटीपीज यहाँ पे लिखते हैं, जो कि डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है, इसे बनता है. और ये जो है, ये किस तरीके से नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स, जिन्हें एनटीपीस कहा जाता है, उससे मुख्तलिफ होते हैं, अगर हम ये देखें, तो उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं. यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में जो है, एक साइड पे जो है, वो डीएनटीपीस बनाए गए हैं और दूसरी साइड पे डीडीएनटीपीस का स्ट्रक्चर बनाया गया है. अब यहाँ पे डी जो है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा गया है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर मौजूद इसके न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए डी जो है, वो डीएनए को शो कर रहा है. और एनटीपी जो है, यह न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है. और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो है, ये बेसिस जो है, चारों मुख्तलिफ होती हैं. यहाँ पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप शामिल है, ये शुगर इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे बेस लिखा गया है. और ये बेस जो है, ये कोई सी भी हो सकती है. और चार अगर हम बेसिस की बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, तो वो कौन कौन सी है, वो है साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन और गुआनिन, जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है. अब दूसरी साइड पर अगर आप देखें, तो डाइडियो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, डीडीएनटीपीज जो है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें भी फॉस्फेट शामिल होता है, शुगर शामिल है और नाइट्रोजनस बेस शामिल है. लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देखें, तो यहाँ पे डीएनटीपीज के अंदर ओएच मौजूद होता है, लेकिन डीडीएनटीपीज के अंदर यहाँ पे सिर्फ एच मौजूद होता है. अब यहाँ पे जब ओएच मौजूद नहीं होता और खाली एच मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं. और ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीडीएनटीपीज. एन जो है, वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है. अगर एडिनिन होगा, तो ये डीडीएटीपी हो जाएगा. अगर टी होगा, तो ये डीडीटीटीपी हो जाएगा. इसी तरीके से अगर जी होगा, तो ये डीडीजीटीपी होगा. और अगर सी होगा, तो ये डीडीसीटीपी हो जाएगा. अब जब यहाँ पे एच मौजूद होता है, तो फिर क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल रहे होते हैं, वो किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या बॉन्ड मौजूद होता है, और उस बॉन्ड का क्या नाम है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. लेकिन जब डीडीएनटीपी आ जाता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता. और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता, तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड जो है, वो एड नहीं हो सकते. अब ये जो डीडीएनटीपी इस्तेमाल हुए थे, ये सेंगर
ने इस्तेमाल किए थे और ये सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। अब अगर हम सीक्वेंसिंग की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारा हेरिडिटी मटीरियल है यानी कि जो डीएनए है वो किस सूरत में मौजूद होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या किया जाता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको सबसे पहले हीट किया जाता है, और जब हीट किया जाता है तो इसके जो दो स्ट्रैंड हैं ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रैंड है जो अगर हम इसको लाइन से ड्रॉ करें तो जो यहाँ से लेके और उसके अंदर ये चीज आ रही है, ये जो है यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन में शो करें, ये एक स्ट्रैंड बन रहा है जिसमें ये सीक्वेंस मौजूद है और दूसरा ये है। अब जब हमने इसकी हीट इसकी हीटिंग की है तो ये इसके अंदर मौजूद ये जो बॉन्ड था जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया है और ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। और जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये डी नेचर हो गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक और डायग्राम है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमने एक स्ट्रैंड लिया है और जो स्ट्रैंड हम ले रहे हैं वो क्या है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर की अगर हम बात करें कि प्राइमर क्या है, तो प्राइमर जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस होता है जिसका हमें किसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब में मौजूद है वो हमें मालूम होते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के उसके मुताबिक। अब यहाँ पे आप देखें, कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है कि जब एडिनिन होगी तो उसके साथ थायमिन जो है वो पेयर करेगी, और जब साइटोसिन होगी तो उसके साथ गुआनिन पेयर करेगी। इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और प्राइमर का जो शॉर्ट सीक्वेंस होता है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के कुछ हिस्से के साथ। अब जब ये इसके साथ प्राइमर अटैच होता है तो उसके बाद फर्दर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ और चीजें भी मौजूद हैं। अब वो कुछ और चीजें अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें कि क्या है, ये एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी कि ये जब पूरा स्ट्रैंड डीएनए की चेन बनेगी तो उसमें अगर एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो ये जो मौजूद इसके अंदर डीएनटीपीज थे जो कि चार किस्म के हैं, डीएटीपी, सीटीपी, टीटीपी और जीटीपी, ये ऐड नहीं होंगे। जब ये यहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो फर्दर जो है चेन नहीं बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीडीएनटीपी जो है चारों किस्म के मौजूद हैं, ए, जी, ए, सी, टी और जी, और आगे ये डीडी इसलिए है क्योंकि ये डायडीऑक्सी है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने ये इसके अंदर ये हम डालते हैं तो ये जो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट था ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये इसके अंदर टर्मिनेट होता है, और ये सीक्वेंस जब टर्मिनेट होते हैं तो सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ लेंथ के आते हैं। यही चीज जो है, ये वाला जो सारा प्रोसेस है इसको हम एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये डायग्राम देखें तो ये हमने देखा है कि ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज और वो चीजें हैं मौजूद जो हमने इस्तेमाल करनी है सीक्वेंसिंग में। इसके अलावा ये प्राइमर मौजूद है जो रेडियो एक्टिवली लेबल है, यानी कि कोई जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके साथ मौजूद है जो कि रेडिएशन सबमिट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था जिसका हमें सीक्वेंस मालूम नहीं है अभी, और अब हमने क्या किया, यह वाला हिस्सा ब्लैक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसके हिस्से के अकॉर्डिंग जो है ये प्राइमर मौजूद है। अब हमने क्या किया, चार रिएक्शन मिक्सचर बना लिए, और चार रिएक्शन मिक्सचर में डीएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि अननोन सीक्वेंस है जिसका हमें मालूम नहीं है वो भी है, और ये जो डीएनटीपीज हैं ये भी हैं। लेकिन उन चारों के अंदर एक के अंदर हमने जो है डाईडीऑक्सी जीटीपी डाल दिया, एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी टीटीपी डाल दिया, एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी सीटीपी डाल दिया, और एक के अंदर हमने डाईडीऑक्सी एटीपी डाल दिया। अब ये चारों मुख्तलिफ जो हैं चारों ट्यूब्स में इसलिए डाले हैं क्योंकि जब हम डीडी जीटीपी डालेंगे तो ये जो है ये उस जगह पे चेन टर्मिनेट करेगा जहां पे सीक्वेंस में जी मौजूद होगा, और टी जो है उस जगह को टर्मिनेट करेगा, डीडी टीटीपी उस जगह पे चेन को टर्मिनेट करेगा जहां पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा, टी इसी तरीके से डीडी सीटीपी वहां पे टर्मिनेट करेगा जहां पे सी मौजूद होगा, और डीडी एटीपी वहां पे इसको टर्मिनेट करेगा जहां पे क्या मौजूद होगा, ए यानी कि एडिनिन मौजूद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए टी सी जी सब मौजूद है। अब बारी बारी जब ये यहाँ पे रिएक्शन में ये मौजूद होंगी तो इन्होंने क्या किया है, जब ये कट प्रोड्यूस करेंगी वहां पे, अगर सपोज करें यहाँ पे हम समझ लें कि यहाँ पे जो है डीडीसीटीपी काम कर रहा है तो यहाँ पे सी मौजूद है, यहाँ पे इसको ये कट करेंगे तो इतना सा फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये सारे बारी बारी कट करेंगे तो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब जब ये फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
फॉरेसेस जो है उसमें होता क्या है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट आ गए हैं जो मुख्तलिफ सीक्वेंस पे कट हुए हैं। अब जब ये मुख्तलिफ सीक्वेंस में कट हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस जो है ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। और जब हम उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इस तरीके से रिजल्ट आता है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप लेबल कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कौन सी ट्यूब में हमने क्या डाला था, यहाँ पे हमने उनको लेबल कर दिया और उसके सैंपल जब हम जेल पे रन करते हैं तो अगर वो यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सी मौजूद था क्योंकि सी पे उसने कट प्रोड्यूस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सीक्वेंस में सी आएगा। इसी तरीके से अगर बैंड यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कट प्रोड्यूस हुआ है जो फ्रेगमेंट है वो जी पे एंड हुआ है क्योंकि उसके अंदर डी डी जी टी पी मौजूद था, तो यहाँ पे सीक्वेंस में जी आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पूरी ये जेल जो है रीड कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आ जाता है। और जब ये सीक्वेंस आ जाता है तो तब हम जो है जब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया है तो तब हम मालूम कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास स्ट्रैंड था इसका सीक्वेंस क्या है। और जब हम स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली है। और जब हमने ये डीएनए की सीक्वेंसिंग की है तो ये सीक्वेंसिंग किस मेथड के थ्रू हुई है, ये हुई है सेंगर्स मेथड के अकॉर्डिंग जिसे कहा जाता है चेन टर्मिनेशन मेथड भी, क्योंकि चेन टर्मिनेट होती है डीडीएनटीपीस के डलने से और जब चेन टर्मिनेट होती है तो हम उसका सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है सेंगर्स मेथड के बारे में।